नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल प्रधांश ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग भी काफी टेक्निकल ब्लॉग रहने वाला है, जो कि मैं एक छोटा सा जनरेटर के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज का टॉपिक जो है जनरेटर के बारे में, जो कि 1 KVA का जनरेटर है और जो चाइनीज जनरेटर है। तो गाइस, मैं यहाँ पर यूज कर रहा था एक चाइनीज जनरेटर जो कि स्लोक कंपनी का है, और ये जो 1 KVA का जनरेटर है जिसका मैक्सिमम आउटपुट जो है 800 वॉट तक हम लोग को मिल जाती है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ्रंट में, तो गाइस ये एक ड्यूअल ऑयल जनरेटर है जो कि स्टार्ट जो है पेट्रोल स्टार्ट और साथ में केरोसिन रनिंग है, जहां पे हम लोग स्टार्ट के लिए पेट्रोल डालनी होती है। यहाँ पे जो कि आपको मैं दिखा रहा हूं, यह है पेट्रोल, यानी कि स्टार्ट के लिए हम लोग को पेट्रोल चाहिए और साथ में रनिंग के लिए केरोसिन चाहिए। ये वाला टैंक जो है केरोसिन का है गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने फुल केरोसिन फुल पेट्रोल डाल के रखा हुआ है। और पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट फेस में जो इस कंपनी का नाम दिया गया है स्लोग, यहाँ पर थोड़ा उड़ गया है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दूसरी जगह से मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोग केरोसिन जनरेटर जो कि मॉडल नंबर है SL1500KL, यानी कि 1500KL। तो गाइस, इसका फ्रंट पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन स्विच ऑन और स्विच ऑफ का है, तो ऑन के लिए ये ऐसा है। तो कॉशन भी यहाँ पर थोड़ा दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आउटपुट जो कि वोल्टोमीटर भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कितना आउटपुट दे रही है। और साथ में सर्किट के लिए यहाँ पर ऑन ऑफ बटन वगैरह भी दिया गया है, और साथ में यहाँ पर आउटपुट के लिए हम लोग का यहाँ पर प्लग इंसर्ट के लिए जगह दिया गया है। तो दोस्तों, इस साइड में ये है और दूसरी साइड में देखते हैं, तो यहाँ पर इस साइड में राइट साइड में देखते हैं, तो गाइस यहाँ पर एक जो है वाल्व है, फ्यूल वाल्व, जिसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर इस साइड में हम लोग इस पोजीशन में करेंगे इस वाल्व को, तो फ्यूल ऑफ है, और इस साइड में करेंगे तो फ्यूल ऑन है। तो और साथ में यहाँ पर पुलिंग केबल दिया गया है, इसको हम लोग को पुल करना होता है गाइस। तो पुल करके मैं थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा, तब तक वीडियो में बना रहे। और साथ में यहाँ पर इसका फिर से मॉडल नंबर दिया गया है, मॉडल नंबर है जो SL156B, यहाँ पर दूसरा मॉडल नंबर दिया गया, और साथ में कंपनी का नाम दिया गया है, साथ में जो 3 हॉर्स पावर में है गाइस। तो साथ में यहाँ पर इसका चौक भी है गाइस, तो ये चौक का ये जो है काम ये है कि हम लोग स्टार्ट के समय में इस तरफ करते हैं चौक, और जैसे स्टार्ट होता है, तो एक्चुअली ये ऑयल के लिए भी है, तो इस जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसको इस साइड में करेंगे, तो पहले पेट्रोल से स्टार्ट है तो इस साइड में करेंगे, और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो केरोसिन के लिए हम लोग इस साइड में कर देंगे गाइस। तो इसमें इसका एयर फिल्टर वगैरह है, और साथ में दूसरे साइड में ऐसा ही कुछ है इसका मोटर वगैरह, तो साथ में यहाँ से हम लोग ओवरफ्लो करा सकते हैं ऑयल। अगर जैसे कि क्या होता है कि स्टार्ट पेट्रोल है तो चलते चलते समय केरोसिन में आ जाता है, तो यहाँ से हम लोग केरोसिन आउट करके पेट्रोल हम लोग यहाँ से ओवरफ्लो करा सकते हैं गाइस। तो थोड़ी देर बाद में मैं आप लोग को ये चला के भी दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस, इसको थोड़ा हम लोग ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे करना है स्टार्ट मैं आप लोग को बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले ये जो है इस स्विच को ऑन करना है, और उसके बाद में ये जो है पुल करना है, ये पुल करने से पहले ये जो चौक है इस साइड में कर लेना है, क्योंकि हम लोग को पेट्रोल से स्टार्ट करना है, तो जैसे स्टार्ट होता है वैसे हम लोग को चौक को इधर पे करेंगे, यानी कि केरोसिन में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो लेट्स पुल, थोड़ा अभी केरोसिन में आ चुका होगा इसीलिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक दो बार ट्राई करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है केरोसिन आ चुका है इंजन में, तो इसीलिए स्टार्ट के लिए पेट्रोल हम लोग को जरूरी है, तो हम लोग पेट्रोल यहाँ से ओवरफ्लो कर रहे हैं ये पाइप के थ्रू। ओवरफ्लो करने के लिए हम लोग को यहाँ से थोड़ा नट को, जो स्क्रू को थोड़ा लूज करना पड़ेगा, अनटाइट करना पड़ेगा, जो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये जो है केरोसिन आप दिखाई दे रहा होगा आपको, केरोसिन आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद में पेट्रोल आ जाएगा, तो वैसे हम लोग को बंद करना है और स्टार्ट करना है गाइस। तो गाइस, हमारा अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और जो पेट्रोल ऑलरेडी हो चुका है पेट्रोल में, और फिर इसको पुल करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो गाइस, ये स्टार्ट हो चुका है अभी, और जैसे ही स्टार्ट हुआ गाइस, इस तरफ था ये चौक और मैंने इस तरफ कर दिया है, तो आउटपुट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, आउटपुट भी काफी बढ़िया दे रहा है, जो कि 250 के ऊपर दे रहा है, तो काफी बढ़िया मशीन है गाइस। वैसे है ये चाइनीज, लेकिन फिर भी अच्छा मशीन है।
तो गाइस अगर इसका मैक्सिमम आउटपुट वॉट का बात किया जाए तो इस मशीन से आप इस जनरेटर से आप करीबन भी 700 वॉट से लेकर 800 वॉट का एम्पलीफायर भी, कोई कंपनी का एम्पलीफायर भी आप चला सकते हैं। वैसे मैं इसमें 700 वॉट यानी कि स्ट्रेंजर का 700 वॉट तक मैं अभी तक चलाया हूँ, तो आप भी ये 700 वॉट से लेकर 800 वॉट तक का मशीन चला सकते हैं। लेकिन यही है कि अगर आप कम वॉट का मशीन चलाएंगे इसमें यानी कि 100-200 वॉट का मशीन चलाएंगे तो उसको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसीलिए 500 वॉट से नीचे का मशीन मत चलाते हो। तो 500 वॉट से नीचे का अगर मशीन चलाते हो तो वो मशीन ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है गाइस। तो इसीलिए मेरा राय यही है कि इससे आप 500 वॉट से नीचे का मशीन मत चलाइए और मैक्सिमम 800 वॉट से ऊपर मत चलाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग का ये छोटा सा 1KV का जनरेटर के जो आउटपुट जो है ये आप लोग को दिखाया, तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और साथ ही में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आप लोग को देखने को मिले। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।